हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आपका अज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, कुछ कंप्लेन आ रही हैं कि जैसे कल कमेंट आ रहे थे कि एक दो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा रिपीट कीजिए या समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि ऑफलाइन में वापस रिपीट करना होता है, ऑनलाइन में वीडियो का अपने को यही फायदा होता है कि अपन वापस उस वीडियो को पीछे जाके रिपीट कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को अपन जितनी बार जाएं, अनलिमिटेड एक्सेस अपने पास होती है वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँ। वापस इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर, रिपीट करो, आप खुद रिपीट, आपको खुद को रिपीट करना है वो चीज़ें। बात समझ पा रहे हो ना? दूसरी कंप्लेन ये थी कि सर इस टाइम तक हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है या फिर हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इसके दो सॉल्यूशन है। देखो, एक तो अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं आराम से। एक बार उसको डाउनलोड कीजिए तसल्ली से, उसके बाद आप कितनी भी बार देखो उसको। दूसरी बात, डाटा ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ें आपके हाथ में। देखो, अननेसेसरी चीज़ों में अगर आप डाटा का यूज़ करोगे तो वो ख़त्म होगा, तो थोड़ा बचा के रखना। आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक अपन ने जो शुरू किया वो अलग अलग टाइप वाइज अपन डेली पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे थे, चीज़ें आपको नई चीज़ें मिल रही थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बार बार यही बोल रहे थे कि सर चैप्टर कब से शुरू करोगे, टॉपिक वाइज कब से पढ़ाओगे। तो आज मैं नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और एकदम देखो, अगर जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो ये बोलेंगे सर बहुत लेवल की चीज़ें पढ़ाओ, तो मुझे हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, जो जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरुआत की है, तो उनको हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, जो पढ़ चुके उनका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर, मिश्रण। जो हर इस चैप्टर को मैं इसलिए ले रहा हूँ, जो अदर चैप्टर में भी ये लागू होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हर चैप्टर में एलिगेशन मेथड एवरेज का ही जो दूसरा रूप है, इसलिए आज अपन इसकी शुरुआत। तो ठीक है, तो डालो हेडिंग, ध्यान दो सभी। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। मिक्सचर हिंदी में बोलते हैं इसको, मिश्रण। इसकी ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं होती, क्वेश्चंस के माध्यम से अपन ज़्यादा समझेंगे, फिर भी दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ध्यान देना। एक तो अपन क्लियर करेंगे मिक्सचर से रिलेटेड, एक इसके अंदर अपने काम यहाँ पे रेशियो, तो दोनों के बारे में अपने को ढंग से समझना है। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अपने पास 50 लीटर 50 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर, अपने पास 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण मिला हुआ है अपने पास, ठीक है, और इस 50 लीटर में और वाटर 3:2 है, अपने पास एक बहुत बड़ा बर्तन है और उस बहुत बड़े बर्तन में 50 लीटर अपने पास दूध और पानी मिला हुआ है 3:2 में। एक व्यक्ति आया अपने पास कि सर मुझे 6 लीटर ये मिश्रण चाहिए। अगर उसको अपन 6 लीटर मिश्रण दे रहे हैं तो अपने पास 44 लीटर बचेगा। 50 लीटर था अपने पास, 6 लीटर वो ले गया अपने पास से और 44 लीटर मिक्सचर अपने पास बच गया। तो आप दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि 6 लीटर में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो पहले से जो रेशियो मिला हुआ था वही रेशियो है। यहाँ भी 3:2 ही होगा और यहाँ भी 3:2 होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें अपन, जैसे घर पे अपन दूध गर्म कर रहे हैं, उसमें अपन ने थोड़ा पानी मिला दिया, ठीक है। अपन ने जब घर पे दूध और पानी मिलाकर गर्म किया, मान लो 4:1 में अपन ने उसको गर्म किया, तो जब अपन उसमें से एक गिलास ले रहे हैं या कितना भी दूध ले रहे हैं, उस जो जितना दूध ले रहे हैं उसमें भी 4:1 ही होगा और जो रिमेनिंग है उसमें भी 4:1 होगा। यानी तब तक रेशियो चेंज नहीं होता जब तक अपन उसमें अलग से मिक्सचर नहीं मिलाएंगे या अलग से मिल्क नहीं मिलाएंगे या अलग से वाटर नहीं मिलाएंगे। क्लियर ये पॉइंट? तो मिक्सचर से रिलेटेड तो ये पॉइंट था अपना। बात आती है रेशियो की, तो सुनो ध्यान से।
रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। यहाँ पे मान लो कहीं पे लिखा हुआ था 4:5, 4:5, हमेशा याद रखना रेशियो में कभी भी अपन ऐड नहीं कर सकते, लेस नहीं कर सकते, कभी भी अपन जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। रेशियो को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ इसको 2 से गुणा कर दो, अगर आप दोनों को 2 से गुणा कर दो तो वही बात होगी, 8:10 भी 4:5 ही होता है। बोलो क्लियर? तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, रेशियो को अपने अपन न तो जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात एक और, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4:5, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:3। अब आपको कोई ये बोले कि मुझे ये फर्स्ट रेशियो करना है, ऊपर 4:5, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:3, मुझे ये रेशियो सेम करना है, तो आप मुझे बताओ 2 को किससे गुणा करें कि 4 हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जोड़ नहीं सकते अपन, गुणा कर सकते हैं। तो 2 को किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें। अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक रेशियो कभी भी, एक डिजिट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कंप्लीट रेशियो उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो इस तरह का फॉर्मेट आप, नाइन इज टू एट और यहां लिखा हुआ था 4:3:2, मान लो ये लिखा हुआ था 9:8 और 3:2। आप बताओ इन दोनों को अपने को सेम करना है, तो आप बोलोगे किस तरह से सेम करेंगे? आप बोलोगे 2 को 4 से गुणा कर दो। अगर अपन 2 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो 3 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, कंप्लीट रेशियो मल्टीप्लाई होगा। बोलो क्लियर? अगर इस तरह की कंडीशन अपने सामने आती है कि 4:5 और 3:2, मान लो ये आ गया, और अपने को इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है, ये चीज़ें अपन क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें बाद की बात होंगी, अभी अपन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि सबको पता रहे कि क्वेश्चन में अपन क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर 4:5 है, 3:2 है और अपन इन दोनों को सेम करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 3 नहीं आएगा, 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 4 नहीं आएगा। तो इस केस में अपने को क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख रहे होंगे दोनों 12 हो गए, लेकिन ये पूरी लाइन 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी लाइन 4 से मल्टीप्लाई होगी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप, बहुत बेसिक चीज़ें, लगभग स्टूडेंट को ये चीज़ पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट गरीब भी हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, तो सुनो ध्यान से। एक और पॉइंट अपना, हालांकि ये बातें हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन की, लेकिन यहां पे अपने काम में आएंगी ये चीजें, वहां मैं और भी डिटेल से बताऊंगा आपको, सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई ये बोले कि मुझे 90 को डिवाइड करना है 3:2:1, देखो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि अपने को लिखना कम से कम पड़े क्वेश्चन में, इसलिए अपन पहले ही सीख लेते हैं सब बातें। अगर अपने को 90 को डिवाइड करना पड़े 3:2:1 में, तो अपन 90 में भाग देंगे 3 और 2 5 और 1 6 का, 90 में 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, उस 15 को 3 से गुणा कर देंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 15, ये तीनों के टुकड़े हो गए। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा आपके सामने। फिर से देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपने को 54 के टुकड़े करने 3:5:4 में, 54 के टुकड़े करने 5:4 में, तो बोलो 54 में कितना भाग दोगे, 5 और 4 9 का भाग देंगे, 54 में 9 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, ये अपने टुकड़े होंगे। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो आप क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर मान लो अपने को
54 के टुकड़े करने हो 3:2 में, 3:2 में, तो आप देखोगे 54 में 5 का भाग तो नहीं जाएगा पूरा पूरा। तो फिर अपन ये कर सकते हैं कि सबसे पहले 54 में अपन भाग देंगे किसका, सम ऑफ रेशियो 5 का भाग देंगे और गुणा कर देंगे 3 से। 54 में किसका भाग देंगे, 5 का, और गुणा कर देंगे किससे, 2 से। ऐसा अपन लिख पाएंगे। क्लियर? तो ये छोटे छोटे बातें थी मिक्सर से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन, बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन को लेके चलेंगे अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन से। और जो स्टूडेंट लेवल के क्वेश्चनों का वेट करेंगे उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है? तब तक आपका रिवाइज होती जाएंगी चीज़ें और आगे बढ़ते जाएंगे अपन। तो चलो शुरू करते हैं अपन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, देखो मेरा ध्यान देना कि 25 लीटर वाले मिश्रण अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी यानी एसिड, इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट ऊपर पढ़ते रहेंगे कि इन ए मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4:1, अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सर इज। बात समझ पा रहे हो ना? देखो क्या कह रहा है कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना, 4:1 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? देखो ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना इसको। ध्यान दो सभी, देखो अब सबसे पहले जो 25 लीटर है उसके टुकड़े करो 4:1 में। 25 लीटर के टुकड़े करो 4:1 में, पता करो 25 लीटर में अम्ल कितना और पानी कितना है। तो आप बोलोगे 25 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, कितनी बार, 5 बार। तो 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5। ये आपका एसिड है और ये आपका वाटर है। ध्यान दो फिर से, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 बार, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5, अलग अलग हो गया। अब इसने क्या बोला कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अगर सिर्फ वाटर ऐड कर रहा है 3 लीटर, तो इसमें ऐड कर देंगे अपन, इसमें 3 लीटर ऐड कर देंगे, सिर्फ पानी में 3 लीटर ऐड कर देंगे अपन। तो बोलो क्या हो गया, ये 20 हो गया और ये 8 हो गया। बोलो दोनों में भाग जा रहा है क्या किसी का, 4 का भाग जा रहा है। अगर 4 का भाग दोगे तो 4 × 5 = 4, यानी नया रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर। बोलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, समझ पाए आप? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो फिर से, आपके सामने एक क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 15 लीटर वाले मिश्रण में, मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग, अभी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा कि उस वीडियो को पीछे करो और फिर से देख लो एक बार, अपने आप रिवाइज करो, आप अपने आप रिपीट करो इन चीज़ों को, ठीक है ना? अपन खुद मेहनत करेंगे तो बात बनेगी। तो सुनो ध्यान से, 15 लीटर वाले मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 1:4 है। सबसे पहले इसको तोड़ो, आप 15 को डिवाइड करो 1:4 में, तो बोलो 5 का भाग देंगे, इनके सबके योग का भाग देंगे 5 का भाग, 3 बार जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ये क्या हुआ, एल्कोहल और पानी, एसिड एल्कोहल सॉरी और वाटर। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है आगे, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो एसिड 3 हो जाएगा बट पानी तो 15 हो जाएगा, एसिड 3 हो जाएगा और पानी तो 15 हो जाएगा, यानी इस बार रेशियो क्या आ जाएगा, 1:5, 1:5, 3 का भाग दे दिया अपन ने। अब क्या कह रहा है देखो आगे, तो नए मिक्सर में एल्कोहल का परसेंटेज क्या है, बताओ एल्कोहल है कितना, 1, कितने में से, 6 में से। एल्कोहल 1 है कितने में से, 6 में से। तो आप मुझे ये बताओ 1/6 × 100 कितना परसेंटेज होता है, 16/2/3। 100 में जब आप 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 16/2/3%। ये अपन परसेंटेज में पढ़ेंगे। क्लियर? समझ पाए क्वेश्चन को? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अब फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। साथ साथ किया करो क्वेश्चन को, खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके, ठीक है। सुनो ध्यान से, देते रहा करो आप, ध्यान दो आप। देखो आप इंग्लिश वाले पढ़ लेना और अब मैं बता देता हूँ। देखो सुनो ध्यान से, किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 में है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 है, तो बताइए नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी। किसकी मात्रा पूछ रहा आपसे? टिन की मात्रा। आप मुझे ये बताओ जो 60 किलोग्राम है वहां रेशियो क्या है? 3:2। बोलो 5 का भाग दें, 60 में 5 का भाग 12 बार, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। ये क्या है? सीसा और टिन, समझ पा रहे हो ना? सीसा और टिन, ये सीसा है और ये टिन है। अब क्या बोला कि जो बी मिश्र धातु है, बी कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम, उसमें रेशियो क्या है? 1:4। बोलो 100 में किसका भाग दोगे? आप बोलोगे 5 का भाग देंगे। कितनी बार? 20 बार, 20 × 1 = 20, 20 × 4 = 80। ये आपका टिन है और ये आपका तांबा है, कॉपर है, बात समझ पा रहे हो ना? अब उसने क्या बोला, जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें टिन कितना है? तो टिन 24 ये हो गया और 20 ये हो गया, टिन कितना हो गया? 44 हो गया, यही आपका आंसर होगा, 44 किलोग्राम। बोलो क्लियर, समझ पाए आप क्वेश्चन को? फिर से रिपीट करना क्वेश्चन को, कुछ नहीं कर रहे अपन, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। 60 को तोड़ा, 100 को तोड़ा और जोड़ दिया, यही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो आप। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को फिर से। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा? बोलो 20 को किस में तोड़ना, आप खुद ही बताओ। 20 को 3:7 में, ठीक है, और 36 को तोड़ना है 7:5 में। बोलो क्लियर, ये बात समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल आंसर देना है सभी को, तो सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप। देखो अब जो 20 लीटर है उसको तोड़ेंगे अपन 3:7 में, 20 लीटर है उसको तोड़ेंगे अपन 7:5 में। अब ये क्या बोला, 20 में 10 का भाग देंगे, दो बार जा रहा है डबल, ये 6 हो गया और ये 14 हो गया। 36 में भाग दो 12 का, 3 × 3 = 21, 3 × 5 = 15, ठीक है। क्या था? स्प्रिट और पानी, ये आपका स्प्रिट था और ये आपका पानी वाटर था। अब बताओ जैसे इनको मिलाएगा तो स्प्रिट कितना हो गया? 27 हो गया, वाटर कितना हो गया? 29 हो गया। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 27:29। एकदम बेसिक से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं जिनका आपको वेट हो रहा है, बात समझ पा रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज होता रहेगा, माइनर डिफरेंस, ठीक है, तो सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखो स्कूल मेथड से अलग कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले मेथड से, बहुत सारी अप्रोच होती है इन क्वेश्चनों को करने की, आप बता देता हूँ मैं, फिर सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, थर्ड मेथड भी बता देता हूँ। मिक्सचर एंड एलिगेशन में तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को पता होता है कि कितने मेथड से अपन इनको पढ़ते थे वहाँ पे, बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से, देखो क्या, 729 लीटर वाले मिश्रण में, 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध
पानी का अनुपात क्या है? 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाएं, अपन दूध को नहीं छेड़ रहा, दूध को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ये कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं कि नया रेशियो क्या बन जाए, 7:3 बन जाए। तो एक सिंपल सा मैं आपको वही अप्रोच बताऊंगा जो डायरेक्ट करना अपने को एग्जाम में, ठीक है? तो सुनो ध्यान से, देखो आप, ध्यान दो आप मुझे ये बताओ, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ओल्ड रेशियो क्या था? 7:2, और न्यू रेशियो क्या चाहता है? 7:3। क्या मिलाकर? पानी मिलाकर। क्या नहीं मिला रहा? दूध नहीं मिला रहा। आप मुझे बताओ, अगर मिल्क चेंज नहीं हो रहा तो उसका रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए। यही आपको याद रखना है कि जो चीज़ चेंज नहीं होती है उसी का रेशियो सेम बनाना अपने को। बस मैं कम से कम 5-7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको, तो सब में आपको एक ही बात दिमाग में रखना है कि जो चीज़ अपन नहीं चेंज कर रहे उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। बस वहीं पर अपना क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप बोलोगे पानी मिलाने की बात कर रहा है, अगर पानी मिलाने की बात कर रहा है तो मिल्क का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ संयोग है कि मिल्क का रेशियो सेम, यहाँ पे तो चलो सेम है। आप बोलोगे अलग आएगा तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मिल्क सेम है, मुझे ये बताओ वाटर कितना बढ़ा? आप यूनिट यहाँ पे क्या बढ़ा? 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू अपने से पूछा है कि कितना पानी मिलाया गया। बोलो स्टार्टिंग में कितना था? 729 लीटर। अगर स्टार्टिंग में 729 लीटर है तो बोलो स्टार्टिंग में टोटल रेशियो कितना है? आप बोलोगे 7:2, 9। तो बोलो 9 की वैल्यू कितनी? 729। अगर 9 की वैल्यू 729 है तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 729/9, यानी 9 का भाग दोगे कितना? 81। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू अपने से पूछ रहा था, बोलो आंसर क्या आएगा? 81 लीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो चीज़ नहीं चेंज हो रही है, पानी मिला रहा है, मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मिल्क चेंज नहीं हो रहा तो फिर मिल्क का रेशियो क्यों चेंज होगा, ये अपने को दिमाग में रखना है। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, चलो ध्यान दो। देखो आप एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, देखो इस बार आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ध्यान दो सभी, 75 लीटर वाले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, 1:2 हो जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं, तो सुनो ध्यान से। देखो ध्यान देना, सुनो आप मुझे ये बताओ, मिल्क और वाटर स्टार्टिंग में रेशियो 2:1, अपने को क्या चाहिए? 1:2। ये 1:2 अपने से क्या मिलाना चाह रहा है? पानी मिलाना चाह रहा है। अगर पानी मिलाना चाह रहा है तो मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, मिल्क यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 बनाना है अपने को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सुनो ध्यान से, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी लाइन 2 से मल्टीप्लाई होगी। आप मुझे ये बताओ, मिल्क सेम हो गया, वाटर कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 1:4 हो गया। अगर 1:4 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में टोटल कितना था? 75 लीटर। तो स्टार्टिंग में टोटल कितना है? 3 यूनिट। आप बोलो 3 इकाई किसके बराबर? 75 लीटर के बराबर। अगर 3 की वैल्यू 75 तो उस 3 की वैल्यू भी 75 ही होगी फिर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 3 की वैल्यू 75 तो 1 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25 तो फिर इस 3 की वैल्यू 75, वो तो बात सेम ही होगी। बोलो क्लियर? तो यही अपने से पूछा था उसने कि कितना पानी मिलाया जाए, बोलो 70 लीटर। बोलो क्लियर? थोड़ा थोड़ा डाउट आपका दूर हुआ होगा, क्या अलग अलग रेशियो आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते, एक बार फिर से एक और क्वेश्चन की तरफ अपन, सुनो ध्यान से।
देखो आप, अब करो सभी, करो सभी, इनको पढ़ो। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अगर अपने को 2:1 रेशियो बनाना है तो इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा? 10 सेकंड का टाइम आपके पास, करो सभी, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। 80 लीटर मिश्रण में 7:3 है, रेशियो चाहिए अपने को 2:1, करो सभी जल्दी से। देखो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान दो सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क वाटर 7:3 और 2:1, बोलो क्या मिलाना चाह रहा है? पूरे डाउट दूर हो जाएंगे आपके इस बार, पूरे डाउट, ध्यान दो सभी, बोलो क्या मिलाना चाह रहा है? पानी मिलाना चाह रहा है। अगर पानी मिलाना चाह रहा है तो क्या चेंज नहीं होना चाहिए? मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, बात समझ पा रहे हो ना? ये मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं मिल्क यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, किस तरह से सेम करें जबकि अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। तो आप मुझे ये बताओ, न तो 7 की टेबल में 2 आता है, न 2 की टेबल में 7 आता है, तो अपन क्या करें, इनको ऑपोजिट रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, ध्यान दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, लेकिन पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पूरी 2 से मल्टीप्लाई, ये पूरी 7 से मल्टीप्लाई। आपने क्या देखा, मैं इधर लिख देता हूँ, अब देखो ये क्या बन गया, ये 14 बन गया, ये 6 बन गया, ये 14 बन गया, ये 7 बन गया, बोलो क्लियर? अब आपने देखा मिल्क तो सेम हो गया, बोलो पानी कितना बड़ा? बोलोगे पानी सिर्फ 1 बढ़ा, बस इसी की वैल्यू पूछ रहा आपसे कि आपने 1 यूनिट में रियल में कितना बढ़ाया। तो बोलो स्टार्टिंग में कितना था, 80 लीटर, स्टार्टिंग में कितना था, 80 लीटर, ध्यान दो सभी, और ये स्टार्टिंग में कितना है, 20, तो बोलो 20 यूनिट की वैल्यू अगर 80 लीटर है तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 80/20 कितना, 4। और अपने को कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर, क्लियर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब तक अपन जो अब इस बार देखते हैं किस किस का आंसर आता है। अब तक जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उनमें डबल ऐड होके आ गया, इस बार अभी तक अपन सिंगल ऐड कर रहे थे, और थोड़ा डबल। देखो पढ़ो क्वेश्चन को सभी, क्या कह रहा है, देखो, दूध व पानी का अनुपात 3:8 है। आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत रुकते नहीं हो, आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, तो वीडियो का यही फायदा होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप रोक सकते हो मुझे, बात समझ पा रहे हो ना? आप अपने आप वीडियो को रोक सकते हो, आप अपने आप चला सकते हो, आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो, स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ये सब फीचर आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास का वीडियो का यही फायदा होता है और आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है, बोलो समझ पा रहे हो ना? तो सुनो आगे, ध्यान दो, देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको, ऐसे तो सॉल्व कहाँ करेंगे। देखो अब क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आपके सामने लिखा हुआ है कि दूध व पानी का अनुपात 3:8 है। मैं लिखता जाता हूं ये बात, मिल्क और वाटर 3:8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। कुछ दूध की मात्रा मिलाने पर, बोलो क्या मिला रहा है इस बार, मिल्क मिला रहा है, मिल्क, तो ये रेशियो क्या हो रहा है, 5:4 हो रहा है, बहुत अच्छा। अब क्या कह रहा है कि इसके बाद 18 लीटर पानी और मिलाया गया। देखो ये जैसे ही 5:4 हुआ उसके बाद 18 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया गया, पहले कुछ दूध मिलाया, अब कुछ पानी मिला रहा है, पानी कितना मिला रहा है, 18 लीटर, तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। अब क्या कह रहा है, तो बताइए प्रारंभ में दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई। सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ इस लाइन के बाद,
ध्यान देना इस लाइन के बाद, ये जैसे ही 5:4 हो गया था उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर पानी मिलाया गया। अगर 18 लीटर पानी मिलाया गया तो मिल्क सेम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मिल्क को अपन सेम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इंटू 4 कर दें, इसको इंटू 5 कर दें, इसको भी इंटू 4 होगा, इसको भी इंटू 5 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, यहाँ अपन किसको सेम कर रहे हैं, मिल्क को। लास्ट से चल रहे हैं अपन आगे से, क्योंकि 18 लीटर पानी मिलाया तो दूध तो सेम है फिर, तो यहाँ दूध सेम करना अपने को। तो आपने क्या देखा कि 20 और 16, 20 और 25, बोलो पानी कितना बड़ा, आप बोलोगे 9 इकाई पानी बड़ा। चलो ठीक है, आप बताओ 9 इकाई की वैल्यू कितनी, 18 लीटर। अगर 9 इकाई की वैल्यू 18 लीटर है तो बोलो 1 की वैल्यू कितनी, 2 हो गई। 9 इकाई में 18 लीटर है तो बोलो 1 इकाई में 2 हो गया, ये याद रखना, 1 इकाई में 2 लीटर है। अब सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, स्टार्टिंग में क्या बोला कि कुछ दूध की मात्रा मिलाई गई, कुछ दूध की मात्रा मिलाई गई यहाँ पे, तो यहाँ अगर दूध मिला रहा है तो वाटर सेम होना चाहिए फिर। मुझे आप ये बताओ, ये जो 3:8 है यहाँ पे दूध मिलाया गया तो पानी सेम होना चाहिए फिर। अगर पानी सेम होना चाहिए तो बोलो पानी को सेम कैसे करें, आप बोलोगे 8 का डबल कर दो। अगर 8 का डबल करेंगे तो 3 का भी डबल करना पड़ेगा। तो मुझे आप ये बताओ फिर, इसको डबल करके लिख देते हैं अपन, डबल कर दो इसको, 6:16, बोलो पानी सेम हो गया। अब बताओ दूध कितना बड़ा है यहाँ पे, आप बोलोगे दूध 14 यूनिट बड़ा, 14। तो जब 9 इकाई में 18 लीटर है तो 1 इकाई में 2 लीटर है, और अगर 1 इकाई में 2 लीटर है तो इस 14 इकाई में कितना होगा, 28 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यही आपका आंसर होगा, 28 लीटर। बोलो क्लियर, वीडियो को फिर से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक बार चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान दो सभी। क्या बोला, दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, यहाँ पे 3:8 था। फिर क्या बोला कि इसमें कुछ दूध की मात्रा मिलाने पर नया अनुपात 5:4 हो जाता है, 5:4। फिर कह रहा है कि अब यहाँ पे ध्यान देना अपने को कि इसके बाद 18 लीटर पानी और मिलाने पर, यहाँ 18 लीटर पानी मिला रहा है, अगर यहाँ 18 लीटर पानी मिला रहा है वो, यहाँ पे अगर 18 लीटर पानी मिला रहा है वो, तो मेरे को ये बताओ मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो सुनो ध्यान से, देखो क्या था यहाँ पे, सबसे पहले था 5:4, सबसे पहले था 5:4, फिर पानी मिलाने पर क्या हो गया रेशियो, 4:5। तो यहाँ वो पानी मिला रहा है, अगर पानी मिला रहा है तो मिल्क सेम होना चाहिए, अगर मिल्क सेम होना चाहिए तो अपन ने इनको मिल्क सेम किया, उल्टा गुणा कर दिया, इसको इंटू 4 किया, इसको इंटू 5 किया, तो इसको इंटू 4 किया, इसको इंटू 5 किया, यही किया अपने, ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। तो आपने देखा मिल्क सेम हो गया, पानी कितना बड़ा, वाटर 9 यूनिट बड़ा, 9 किसके बराबर, 18 लीटर के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2। अब सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या बोला, कुछ दूध की मात्रा मिलाने पर, यहाँ दूध की मात्रा मिला रहा था, यहाँ अगर दूध की मात्रा मिला रहा था तो पानी चेंज नहीं होना चाहिए था, पानी चेंज नहीं होना चाहिए था, 3:8। अगर पानी चेंज नहीं होना तो अपने को पानी को सेम बनाना है, तो 8 को डबल करते 16 बराबर हो जाएगा, तो इस पूरी लाइन को अपन ने डबल किया, 6:16। अब बताओ दूध कितना बड़ा, आप बोलोगे 14 यूनिट, इसी की वैल्यू अपने से पूछ रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दो चलो आगे, बेसिक से क्वेश्चन फिर से आने लगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने कि अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी लूंगा, ये करने हैं आपको, ध्यान दो क्या कह रहा है। एक मिश्रण में दूध और पानी 7:5 है,
7:5 है। फिर क्या बोला, जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, इस बार मिलाने वाली मात्रा दे दी कि 15 लीटर और मिला दें, तो नया रेशियो क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। आप मुझे ये बताओ क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो दूध सेम होना चाहिए, संयोग से दूध सेम है अपना, बिल्कुल सेम है। तो मुझे ये बताओ पानी कितना बढ़ा, 3 यूनिट किसके बराबर, 15 लीटर के बराबर। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, 3 का भाग दे दिया अपन ने। अब बताओ क्या बोला कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। बोलो समझ पा रहे हैं, पानी से 8 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 की वैल्यू 15 लीटर, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर। अब ये कह रहा है प्रारंभ में वाटर पूछता तो 5 की वैल्यू पूछता, अंत में पानी की मात्रा पूछ रहा है तो 8 की मात्रा पूछ रहा है। तो बोलो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 लीटर, तो 8 की वैल्यू 40 लीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा 40 लीटर। ठीक है, तो समझ पाए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था एक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको, इसे इसका आपके लिए छोड़ दिया मैंने कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 4:5 बन जाता है, बताइए दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। प्रारंभ में पूछ रहा है, लास्ट में नहीं पूछ रहा, प्रारंभ में पूछ रहा है, ठीक है, तो करना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो एक बहुत अच्छा टाइप आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, समझने की कोशिश करना। बढ़े आगे, चलो देखो क्या कह रहा है, दो मिश्र धातुओं में ए और बी सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 है और 7:11 है। अलग अलग मेथड से बताऊंगा मैं, को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे हो रहा, दो मिश्र धातुओं में ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 और 7:11 है, यदि समान मात्रा में, ये याद रखना बस आप, अगर ये वर्ड आ गया तो बहुत कुछ आ गया अगर ये वर्ड आ गया तो, समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाए तो एक नई मिश्र धातु सी बनती है, सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा। देखो सुनो ध्यान से, बढ़ते हैं, ध्यान दो, सुनो सभी, दो मेथड से बताऊंगा मैं। फर्स्ट मेथड गोल्ड है और कॉपर है, सोना और कॉपर। आप मुझे ये बताओ पहली मिश्र धातु में गोल्ड कितना है, 7:9 में से, ध्यान दो 7 है कितने में से, 9 में से, तो 7/9। कॉपर कितना है, 2, कितने में से, 9 में से, 2/9। बट्टे में हमेशा टोटल आता है, याद रखना बट्टे में हमेशा टोटल आता है। अब क्या बोला, देखो अब ये क्या कह रहा है कि जो सेकंड मिश्र धातु है उसमें गोल्ड कितना है, 7 ही है उसमें भी, लेकिन कितने में, 18 में, तो आप लिखोगे 7/18। ये तो गोल्ड का काम हो गया। कॉपर कितना है, 11, 18 में से, तो 11/18। देखो जो रेड मार्कर से लिखा मैंने वो ए की वैल्यू है गोल्ड और कॉपर, और जो ब्लैक से लिखा वो बी की वैल्यू है गोल्ड और कॉपर। अब इनको ऐड करना अपने को, एलसीएम कितना आएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 18 आएगा, 9 × 2 = 14+7, यहाँ भी एलसीएम 18 आएगा, 4+11। तो आपने क्या देखा, 18 से 18 कैंसिल हो गया, बोलो ये कितना हो गया, 21:15। 3 का भाग जा रहा है, 7:5। ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड, 7:5, ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इस मेथड से अपने को नहीं करना है इन क्वेश्चनों को, बात समझ पा रहे हो ना। सेकंड मेथड सुनो ध्यान से, देखो अब मिटा देता हूं मैं इनको,
सुनो ध्यान से। अब सेकेंड मेथड समझो ध्यान से। गोल्ड गोल्ड कॉपर बोलो क्या है? 7:2 कॉपर 7:11। आप मुझे बताओ यहाँ टोटल कितना हो रहा है? आप बोलोगे 9। यहाँ टोटल कितना हो रहा है? आप बोलोगे 18। बस यही याद रखना आपको, एक तरफ टोटल 9 हो रहा है, एक तरफ टोटल 18 हो रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है, दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बोलो 9 को क्या करें कि 18 हो जाए? आप बोलोगे 2 से गुणा कर दो। अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो सुनो ध्यान से, अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको भी 2 से पूरा डबल होगा, इक्वल हो गए। अब जोड़ दो, बोलो 14 और 7 21, बोलो 11 और 4 15। 7 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 7 बार, 3 का भाग 5 बार, बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7:5। तो इस पैटर्न को अपने को काम में लेना है। बोलो क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अच्छा क्वेश्चन एक, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेकंड मेथड से ही करेंगे अपन डायरेक्ट। क्या कह रहा है? दो समान बर्तन हैं पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के रूप से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? जबकि बर्तन क्या है, बर्तन क्या है, समान है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्वल वॉल्यूम। जब भी इक्वल वॉल्यूम आ जाए तो ओवरऑल वैल्यू अपने को सेम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर, तो सुनो ध्यान से। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो सभी। सुनो ध्यान से, लास्ट में पूछ रहा है पानी और दूध, वॉटर और मिल्क। बोलो वॉटर और मिल्क 3:4, बोलो वॉटर और मिल्क 5:3। अब बताओ ये टोटल कितना है? 7 है। ये टोटल कितना है? 8 है। जबकि उसने क्या बोला अपने को कि दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब आपको पता है कि न तो अपन 7 को 8 कर सकते हैं, न 8 को 7 कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे की टेबल में नहीं आता। तो इक्वल कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इनको इक्वल कर देंगे। देखो इसको 8 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे, क्या दोनों 56 हो गए? क्या इक्वल हो गए ना? तो ये पूरी लाइन 8 से मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी लाइन 7 से मल्टीप्लाई होगी। बोलो क्लियर, अब इनको अपन सोल्व कर लेंगे। बोलो 8 3 24, 7 5 35, 35 और 24 वाटर कितना हो गया? 59। बोलो 8 4 32, 7 3 21, 32 और 21 मिल कितना हो गया? 53। और यही अपना क्या होगा आंसर? 59:53, डी ऑप्शन। बोलो समझ पाए क्वेश्चन को, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो अपने दोनों क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू थी, इस बार 3 वैल्यू आ गई। अगर 3 वैल्यू आ जाएं तो अपन किस तरह से करेंगे? ध्यान दो सभी, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। देखो खूब बड़ा लो, ये आज दिखाई नहीं दे रहा, ये तो कंप्लेन आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, 1% भी। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। देखो 3 प्रयोग में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के 3 प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको, तुरंत एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं करने के लिए, तो उसी तरह से आपको तैयार रहना है कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से। देखो देखो एसिड
और वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। सबसे पहले 2:1, उसके बाद 3:2, उसके बाद 5:3। बोलो क्लियर। अब बताओ ये कितना है टोटल? 3 है। ये टोटल कितना है? 5 है। ये टोटल कितना है? 8 है। और ये कह रहा है कि तीनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान मात्रा। तीनों की समान मात्रा, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए तीनों का। तो सुनो ध्यान से, ध्यान दो सभी। आप मुझे बताओ, जब दो ही थे, जब ये 3 और 5 दो ही थे, तो अपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको 5 से कर रहे थे, इसको 3 से कर रहे थे। लेकिन इस बार तो 3 वैल्यू आ गई। तो आप हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। देखो सुनो ध्यान से, अपने को अगर 3 से गुणा करना है, अगर अपने को 3 को गुणा करना है, तो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई से गुणा करना है। 8 × 5 40। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, फिर से सुनो ध्यान से। अगर आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी दोनों के मल्टीप्लाई से करना है। 8 × 3 = 24। अगर आपको 8 को गुणा करना है, तो 5 × 3 से करना है 15। अब देखो सेम है क्या? 40 × 3 = 120, 24 × 5 = 120, 15 × 8 = 120। तो बोलो तीनों इक्वल हो गए। तो पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है। × 40 × 40 × 24 × 24 × 15 × 15। बोलो क्लियर। बस अपना इनका इतना ही काम था, अब इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इनको जोड़ते जाओ। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको पता होना चाहिए। 80 हो गया, 80 और 72, 152 हो गया, 152 और 75, 152 और 75 227। 40 हो गया, 48 हो गया, 48 और 40 कितना हो गया? 88 हो गया, 88 और 45, 88 और 45, 120 और 13, 133 हो गया। अब बताओ उसने एसिड और वाटर का नया रेशियो क्या आया? 227:133। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट 227:133 आंसर दे रहे हैं, रॉन्ग है उनका, ढंग से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है? वाटर रेशियो एसिड। उल्टा पूछ रहा है आपसे, उल्टा पूछ रहा है। तो 133:227 ये अपना आंसर होगा, न कि ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो सब कुछ आते हुए भी अपन इन क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, जल्दी से करो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी अपना लास्ट क्वेश्चन किया अपन ने, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। करो जल्दी से, आंसर आना चाहिए सबका, और बहुत स्पीड से आना चाहिए। 10 से 15 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से करो। (2:3, 3:4, 4:5) बस यही 3 डाटा है आपके पास। बस आप ये याद रखना कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, समान आयतन। देखो ध्यान दो, थोड़ा देख लिया आपने, तो सुनो ध्यान से। क्या है आपके पास? एसिड और वाटर। ब्लैक ले लेता हूँ मैं। देखो 2:3, 3:4, 4:5। तो ये टोटल कितना? 5। ये टोटल कितना? 7। ये टोटल कितना? 9। अब ये क्या बोल रहा है? समान आयतन होना चाहिए, समान आयतन होना चाहिए। अगर समान आयतन होना चाहिए, तो ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। और आपको पता है कि इन तीनों वैल्यू को सेम अपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके करना अपने को। तो सुनो ध्यान से,
अगर अपने को, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि अगर अपने को 5 को मल्टीप्लाई करना है तो बची हुई सभी संख्याओं से करना है। अगर अकेला 7 हो तो 7 से करेंगे, 7 × 9 है तो 7 × 9 63 से करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 × 5 45, 9 को मल्टीप्लाई करना है 7 × 5 35। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 315 तीनों में सेम होगा। बोलो बात समझ पा रहे हो ना, तो कर दो मल्टीप्लाई, पूरा 63 से करो, इसको भी 63, पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी, 45 से करो, 45 से करो, 35 से करो, इसको भी 35 से करो। बात समझ पा रहे हो ना। अब इसका अपने पास कोई काम नहीं है। अब यहां से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं ऐड कर सकते तो आप इनको साइड में लिख लिया करो, 63 × 2 126, 45 × 3 135, 35 × 4 140। उधर क्या होगा, 63 × 3 189, 45 × 4 90 का डबल 180, 35 × 5 5 × 5 25, 2 बचेगा 15 और 2 17। अब इनको ऐड कर दो आप, बोलो 6 और 5 11, 1 बचेगा 3 और 2 5 और 4 9 1 10, फिर 1 बचेगा और ये कितना हो गया, यानी फर्स्ट वैल्यू 401। एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। बोलो बात समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो इस पैटर्न के अपन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़े अपन ने, फिर से देखना कंप्लीट वीडियो। आज जितना भी पढ़ा अपन ने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे मिक्सर के, एलिगेशन भी इसका पार्ट होगा अलग से। और मिक्सर एंड एलिगेशन स्टार्टिंग में लेने का एक ही कारण है कि ये हर चैप्टर में यूज होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज, स्टार्टिंग में भी बताया मैंने। बहुत अच्छा चैप्टर है, हर जगह अप्लाई होता है ये चैप्टर। तो इसको फिर से देखना, कंप्लीट वीडियो फिर से देखना। जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट है वो पूरा वापस देखना, बार बार देखोगे वीडियो को, आप कितनी बार भी देख सकते हो, बस आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।